गए मिस्टर राजेंद्र। पहली बात तो ये है कि इस बार अगर आपने कुटाला फैमिली की, अगर मैंने अब की बार साबित नहीं किया कि वो लोग एलियन है, तो आप सबके सामने थप्पड़ मारना। मित्र भैया सहन लेंगे, लेकिन धीरे से मारना, बहुत नाजुक है। अच्छा मुझे? हाँ। ये देखा प्रीतेश, अब की बार प्रीतेश तूने वो फाइल चुराने की बात की ना, तो मैं उनसे कुछ लूंगा नहीं। तो इस बार मैं उन्हें दूंगा। क्या? फ्रेंडशिप डे का तोहफा। मिस्टर प्रीतेश, मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा सा हेमंत भैया को आने दो, सब पता चल जाएगा। साढ़े पांच हजार, साढ़े सात रुपए, और इसमें से साढ़े सत्रह। हाँ अच्छा, अठारह रुपए लिखो। और अरे क्या नई मुसीबत, क्या हुआ? रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन को लिफ्ट देता है। बहन तो भाई के सामने बैठी रहती है, भाई लिफ्ट क्यों देगा? हेमन, लिफ्ट तो इंसान सड़क पर अटक जाने पर बहानों से मांगते हैं। हाँ वो ऐसे टेढ़ा पानी पीने का इशारा करके ऐसे। पापा वो गिफ्ट होता है, गिफ्ट, मैं लिफ्ट की बात कर रहा हूँ। सोफा, सोफा। लिफ्ट और सोफा नहीं, गिफ्ट और तोहफा। पीटू पीटू इसे, मतलब मैं तुझे पीटता हूँ, उसके बाद में तू मुझे कंपनी देना अपने आप को पीटने में। हाँ है ही हो गया। अच्छा लेकिन ये भाई बहन को कौन सा तोहफा देता है रक्षाबंधन पर? वैक्यूम क्लीनर। सारे भाई अपने बहनों को वैक्यूम क्लीनर देते हैं। भैया भैया हाँ क्या हो गया, इसे कुछ तकलीफ हो रही है बेटा? मैं ना या आना से पूछ कर ए बनियन, ऐसे से छेद कर दूंगा ना, कोई पहनेगा नहीं फिर। पूछ क्या हो? बैठो बैठो, ऐसे ऐसे मत करो, बैठो। ये कौन सा सिक्का होता है? देखो, बीस का सिक्का, साढ़े पंद्रह, साढ़े पंद्रह है ना दीदी, है ना दीदी, आ गई मछली। हाय प्रीतेश। हाय। एलियन है कि नहीं पता नहीं, पर बड़ा अजीब तरह का इंसान जरूर है। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हेमंत भैया, और हेमंत भैया ये मिस्टर राजेंद्र मेरे टीचर है। ओ, ये चीटर है? हेमंत भैया चीटर नहीं, टीचर। आप कुछ बोलोगे? जी एक्चुअली मैं इन दोनों को पढ़ाने आता हूँ। क्यों आप ऐसे क्यों कर दिए? आपको इन्हें पढ़ाना नहीं चाहिए, पढ़ना अच्छी बात नहीं होती है। मेरी मम्मी कह दी है कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। और क्या क्या कहती हैं आपकी मम्मी? मेरी मम्मी ना बहुत अच्छी है, वो कहती है कि इंटरव्यू बाद में, पहले गिफ्ट की बात कर ले। गिफ्ट? मैं आपको गिफ्ट दूं, फ्रेंडशिप देगा हमारा और मेरा सीक्रेट, किसी को मत बताना। अब लीजिए इंटरव्यू। तो मैं हाँ, और फिर मुझे भी नौकरी मिलेगी मेरे पापा की तरह। ये क्या कह रहा है? आज मेरे पापा का इंटरव्यू था और मम्मी कहती है कि उन्हें नौकरी पक्का मिलेगी और आपको मिलेगी गिफ्ट।
चलो 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 अभी ध्यान से सुनो, लास्ट टाइम बता रहा हूं मैं। लाल रंग की लहसुन की चटनी होनी चाहिए और चावल होने चाहिए। ये क्या है? ये चावल में ये मटर और गाजर क्या कर रहे हैं? पहले निकालो इसे, निकालो। मैंने क्या कहा था, सिर्फ लहसुन की चटनी, उसके ऊपर चावल चिपकाने। सारी घर की चीजें होनी चाहिए। हेमन भैया, छोटी चीज। ये क्या कर रहा है वहां पर? ये गैस की राखी बना रहा है या फ्रिज की राखी? फ्रिज की राखी बांध देना रोनी की कलाई पर, पता चला गर्मी लगने पर रोनी फ्रिज खोल के ठंडक ले रहा है। मैंने क्या कहा था भैया? तुम लोग ध्यान। हाँ क्या भैया? वेरी गुड। ये देखिए मैंने साबुन की राखी बनाई है, साबुन की। ये बता, ये देखिए रुमाल की राखी, बहुत बढ़िया है ना। हाँ 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 हाँ। अब रोनी के एक कलाई पर साबुन की राखी बांधेंगे और दूसरी कलाई पर ये रुमाल की राखी बांधेंगे। मतलब एक राखी से अपना मुंह धोएगा, दूसरे से अपना मुंह पोंछेगा, है ना? शिशिर एक काम करो, तुम बाल्टी की राखी बनाओ, मैं पानी की टंकी की राखी बनाता हूँ। पूरा बाथरूम गिफ्ट करते हैं रोनी को रक्षाबंधन में। मैंने क्या कहा, तुम लोग सुनते नहीं हो मेरी बात। घर की चीज, घर की चीज का मतलब है पापा। हाँ मतलब मेरी राखी। संभालो बेटा, ये क्या है? प्रितेश ने दिया है, ग्वाला चीज, दूध की शक्ति से भरा। ये प्रितेश के घर का भी है और चीज भी है। ये चलो इसको सब जगह। ये राखी रोनी की कलाई पर बांधने के बाद है ना, दो ब्रेड के स्लाइस भी लगा दे ऊपर से नीचे से और खा जा उसका हाथ पूरा। क्या कर रही है? गिर गया तेरा चीज। हेमन भैया, इंग्लिश वाला चीज नहीं, हिंदी वाली चीज, वस्तु। अरे मैंने क्या कहा था तुम लोगों से, उस इंसानी वीडियो में वो भाई अपने बहन से क्या कहता है याद है किसी को? नहीं तो सुनो, वो भाई कहता है अपनी बहन से, शारदा राबट की कलाई अगर सुनी रह गई तो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंक लग जाएगा। और दूसरे इंसानी वीडियो में वो संजीव भाई कह रहे थे अपनी बहन से कि सुमन, इस पवित्र रिश्ते की सारी भावनाओं को बांधो मेरी कलाई पे, बांधो बांधो कलाई पे। दिखाया था ना भैया तो। तुम हम ऐसी राखी बनाए जिसमें इंसानी त्योहार का सार हो, राखी में त्योहार का मतलब नजर आए। वेरी गुड। अब समझ में आया मैं क्या कह रहा था? हाँ तो अब हम एक ऐसी राखी बनाएंगे जिसे देखकर सनशाइन कॉलोनी वालों की रिएक्शन वैसी होगी जैसे शरद ऐना को देखकर रिएक्ट करता ना। क्या भाई आप? ओ बनियन इधर ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ और फिर हम घोटालेबाज हैं, ये फीलिंग पूरी तरह से हो जाएगी। ओहो, कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। चाकुड़ी, मेरे चश्मे ला। बा, ये लीजिए आपके पुराने चश्मे, उड़ गए हैं, पर पहन लीजिए थोड़े। ये टूटे हुए चश्मे मैं कैसे पहनूंगी? तू मेरे नए चश्मे नहीं लाई? नहीं, वो तो मैंने दरवाजे से लौटा दिए। कैंसिल। क्यों? बिना चश्मे के मैं राखी कैसे बनाऊंगी? बा, आप भूल गए, आप ही ने तो कहा था कि बाहर से कोई भी चीज खरीद के नहीं लानी जिसका राखी बनाने से कोई भी लेना देना हो। तो राखी बनाने के लिए आपको नए चश्मे पहनने पड़ते ना, तो होता ना लेना देना। राखी था। आप भी ना बा, सब भूल जाते हैं। रुपा गया, हमारा प्राइस तो गया। किधर? अरे ना 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 लाजो, तू राखी में इनकी मदद नहीं कर सकती है। क्यों क्यों? लास्ट ईयर हमारे वास्ते तुमने अपने घर पे क्रिसमस पार्टी रखा था तो हमने भी आपका मदद किया था ना। हाँ। और आप तो सांता क्लॉस को भी मारवाड़ी पगड़ी पहनाने वाले थे। Who are Santa Claus? और कह रहे थे मारे घर जीसस सा, मेरी सा, जोसेफ सा पधारे हैं, आप भी पधारो, पधारो मारे देश। आए तो
नहीं तो जिंगल बेल का गाना कैसे गा रहे थे बोलीजा? ओ माय गॉड, वो तो हाईलाइट था लाजो बाबी। जैसे हमने आपको हेल्प किया था वैसा ही लाजो बाबी हमें हेल्प कर रहा है। हमको क्या मालूम कि राखी की बिहाइंड क्या स्टोरीज है, और राखी तो हम अपना दिमाग लगाकर ही बनाएंगे। कम ऑन गर्ल्स। हाँ तो हुमायूं जी, अरे लाजो, राखी के त्योहार के पीछे बहुत सारी कहानियां हुए, तू के एक मिनट अंकल हो जा। जो सबसे बेस्ट होममेड राखी बनाएगा तुम उसको 1001 रुपीस का इनाम देगा, राइट? तो जो भाई बहन का जोड़ी सबसे बेस्ट राखी का स्टोरी परफॉर्म करके दिखाएगा उसको मैं 1001 रुपीस का इनाम देगा। ये चलो सबको बता देगा। लाजो बाबी, अंकल ओजा सुहाग रात के टाइम पे भी ऐसा ही था। क्या लीजा तुम भी, चलो चलो। सॉरी सॉरी सॉरी। भाई और बहनों, रक्षाबंधन के इस त्योहार पर हमारा तो बस इतना ही कहना है कि टका पास हुए तो भाई, टका पास ना हुए तो भी बहन। एक मिनट मुरली भाई, सबटाइटल सबटाइटल। नहीं बोलने दीजिए, अच्छा था। हाँ, आपको कुछ समझ में आया? शब्द तो समझ में नहीं आ रहे लेकिन भाव समझ में आ रहा है। देखा, दीदा मुख से ना कहे लाख है मारो मोल। ऐसे घोटाला जी आप बहुत समझदार हैं। चलो चलो, अभी ये सब डिस्कशन बाद में होएगा। अभी हम लोग सबसे बेस्ट होममेड राखी का कंपटीशन करेगा, उसके बाद हम लोग राखी बांधेगा, उसके बाद राखी स्टोरी का परफॉर्मेंस का कंपटीशन है, उसके बाद हम लोग को एंटरटेनमेंट देखने को आए, और उसके बाद बहुत सारा काम है। चलो ना। हाँ हाँ हाँ, और वो अटका भी वो स्टैच्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुतला। मूरत। हाँ, और अब बैक टू बैक अटकता है, मैं नो टाइम। अंकल साइमन की बेटी का नाम क्या है? निकोला। हाँ, मूरत निकोला जा रहा है। निकला का निकोला, आई मीन सीरियसली रॉनी, समझ में आया ना? हाँ। अब राखी कंपटीशन में जज तो नेचुरली अंकल ओझा ही बनेंगे, क्योंकि 1001 रुपए का इनाम तो उनकी जेब से ही जा रहा है ना। तो अंकल ओझा, जज आप। तो वकील कौन बनेगा? पैरवी, ये अदालत वाले जज नहीं है। तुझे क्या लगता है यहाँ बेस्ट राखी कंपटीशन के लिए केस लड़ा जाएगा? जज साहब, मेरे काबिल दोस्त ये कहना चाहते हैं कि जब वहाँ राखी बंधी तब बहन वहाँ थी नहीं, इससे क्या साबित होता है? ऐसा होगा बहन, लेकिन वकील तो ऐसे मतलब चुप, म्यूट। हाँ, हमारे राजस्थान में तो एक मिनट मुरली भाई, ये अनाउंसमेंट खत्म करो, प्रोग्राम फटाफट शुरू करो। मुझे दो दो तोहफे चाहिए। अबे आ, अबे चल चल चल। वसंत, क्या होगा हमारी राखी का, इनाम मिलेगा हमें? इनाम का तो पता नहीं, लेकिन सबसे पहले राखी तुम बांधना रोनी की कलाई पे, पता ना क्यों? वसंत, इन्होंने तो लाल मिर्च पाउडर रखी है, तो लहसुन नहीं मिली होगी, और कच्चे चावल, छोटा चूल्हा भी तो रखा है ना, छोटा तो चावल भी तो थोड़ी है ना, हमारी थाली जो है वो एक रुपया छुट्टा दो। वैसे आज तो आपको पूरे 1001 का चूना लग गया नहीं काका मोरू? ये करो, जबरदस्ती मारे पे थोप दिया, ये भावना भाभी बिना बाय मेरी। वैसे आप भी मेरे काका मुरली हो, आपका थोड़ा नुकसान कम करवा सकता हूँ मैं।
ये जो राखी कॉम्पिटिशन है ना, उसका फर्स्ट प्राइज मेरी भैरवी को दे दो, 1000 में से 300 वापस। पूरे 30%। लेकिन देखो काका मुरली, मैं आपका नुकसान कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। वसन, 1000 रुपए का इनाम देके अंकल ऊर्जा का नुकसान हो रहा है, और भद्रेश भाई नुकसान कम करने के लिए उन्हें 300 रुपए का ऑफर दे रहे, तो हमें देखो। हाँ अंकल, आप परछा को पहला इनाम दे दीजिए, मैं 400 रुपए दे दूंगा। मेरे बेटे को पहला इनाम दे दीजिए। काका मुरली कुछ मत सुनना, मैं 500 दूंगा। तो मैं 1000 के 1000 दे दूंगा पूरे। अदरेश, वही देख, 1000 के ऑफर है, तुम्हारी बात मान, तू 1200 दे दे। अरे तू खाली 500 की रिश्वत दे रहा है। हाय हाय, ये देखो, ए रोनी, लीजा, ये दोनों देखो, ये जज रिश्वत ले रहा है, ये जज फूट गया है, देख। ये फूटा नहीं है मैन, मैं इसको फोड़ेगा अभी। तो पहले बाबा को फोड़, 500 रुपए ये दे रहा था रिश्वत में। अरे बाप, मैं तो सिर्फ 500 देने की बात कर रहा, ये श्री घोटाला, ये तो पूरे के पूरे 1000 देने की बात कर रहे। ए बद्रेश, डबल ढोलकी, अभी घोटाला पे सब डाल रहा है तू। नहीं नहीं, सही कह रहा है, मैंने कहा कि वर्षा को पहला इनाम दे दो, हम 1000 रुपए दे देंगे। जो मतलब आप ये बात एक्चुअली एक्सेप्ट कर रहे हैं? मतलब आप सच में ये बात कबूल कर रहे हैं? हाँ, मुझे पहला इनाम मिलता तो ओझा अंकल के साथ शेयर करते, ताकि उसका नुकसान ना हो। फिर ऐसा कैसे शेयर? क्यों? ये आप ही ने तो कहा था ना कि वो मिल बांट कर रहने से प्यार बढ़ता है। अरे बांटना चाहिए, मतलब प्यार, सुख दुख, खाना खुशी गम, सुख दुख खाना, इनाम क्यों नहीं? एक्चुअली बात तो सही आए। क्या लीजा भाभी, बात सही है ये? ओ शीशी घोटाला, ये तो रिश्वत हुई, रिश्वत। कौन रिश्वत को? हाँ, परण के भाव रिश्वत वाले ना थे। अरे वो काका मुरली, ये दिखावा है नेकी का, बाकी मुंह में राम और इनके बगल में छुरी है। क्या बगल में? क्या छुरी? छुरी, छुरी। अब झूठ बोल रहे हो तुम, बगल में छुरी दिख रही है आप किसी को? सॉलिड है ये भी। वो तो कीटनाशक है। हाँ? अब मोगरे की खुशबू में उपलब्ध। हाँ? ऊपर से मच्छर भी दूर भागते हैं। अच्छा, इन सब पे छिड़क। मतलब आपने अंकल ओझा को पैसे नहीं खिलाए? नहीं, झूठ बोल रहा है ये आदमी, मेरे सामने वाली बात 400 हजार, कौन बोल रहा था बोलो? पैसे खिलाने की कहाँ बात की? हाँ ये झूठ बोले, खिलाते पैसे मेरे सामने हुए, बोलो ना कुछ। देखा बस, मैंने बोला था ना वकील होना चाहिए। अरे भाई चुप रहने यार तू। हम ओझा अंकल को पैसे नहीं खिला रहे। हाँ, पैसों का सौद कितना होता है बोलो जरा। 20, 50, 100, 500, 1000 सबका स्वाद, सिर्फ 10 रुपए के नोट का स्वाद। हाय हाय, तुझे 10 के नोट का स्वाद पता है? पर वो तुझे स्वादिष्ट भी लगता है। उस दिन भैरवी ने मुझे 10 रुपए का नोट दिया, कहा हेमंत भैया 10 रुपए की बेल खा लेना, तो मैंने आलू कांदा कुरमुरे सेव में 10 रुपए का नोट मिला के 10 रुपए की बेल बनाई और हम सब ने खाई। हम आपको पैसे क्यों खिलाए, जबकि आज रक्षाबंधन के त्योहार पर मैंने बहुत अच्छी मिठाई बनाई है। हाँ। जिसे खाके आपके दिल खुश हो जाएंगे। आइए आइए बैठिए। आइए आइए, ये सारे इंस्पेक्टर आए हैं यहाँ तो। स्वीटी सिंह आते तभी, चलो अभी आइए 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 आइए। अरे सब वाह भाई वाह, ये देखिए